हाँ यार स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करने जा रहे हैं एग्जांपल थ्री। एग्जांपल थ्री पेज नंबर 183 एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 183 दे एग्जांपल नंबर थ्री डिस्कस करनी है। सो एग्जांपल की कह रही है, एग्जांपल कराऊँ तो पहला बच्चे असी जो थ्योरम 10.8 डिस्कस की सी कि अगर एक कोड या एक आर्क सेंटर के उत्ते अगर कोई एंगल एक्स बना रही है तो वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल से वही कोड एंगल सबसटेंड करेगी हाफ ऑफ द एंगल। लाइक अगर इतने एक्स है तो इतने एक्स बाय टू होएगा, हाफ होएगा एंगल का। या कह लो कि सेंटर से हमेशा डबल होंगे, जो एंगल सबसटेंड होंगे एट सेंटर बाय द सेम कोड इज डबल कंपेरेटिवली एंगल सबसटेंडेड बाय सेम कोड एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, राइट। सो अगर एंगल ट्रू है तो मैं इस तरह भी कर सकते हैं। देखो की होगा कंडीशन, अगर एक कोड है सर्कल ए बी और कोड इज इक्वल टू डायमीटर है तो डेफिनेटली की होगा ए बी सर्कल को ओ तो पास करेगी, सेंटर तो पास करेगी, तो क्योंकि दिस इज ए बी, ए बी इज अ डायमीटर, तो ठीक डायमीटर है कोड भी है। सो यह अपने इतने सेंटर के उत्ते कि एंगल सबसटेंड करेगी, दिस एंगल 180 डिग्री, राइट। अगर यह 1 डिग्री है, 180 डिग्री एंगल से सबसटेंड हो रहा है, तो सेम कोड जो सेम डायमीटर कोड है यह रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल उत्ते जोड़ा एंगल सबसटेंड करेगी अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम यह एंगल होना चाहिए 90 डिग्री, राइट। क्योंकि 180 का हाफ ही होगा 90 डिग्री होगा, राइट। सो यह जो कॉन्सैप्ट है तुहाडा नैक्सट एग्जाम्पल थ्री के यू नो है, इस करके मैं तुम दसिया। चलो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर थ्री की कह रही है। मैं सीधा तुम्हें डायरैक्टली दस रहा कि एक तो सर्कल दिता सेंटर ओ है, ओके सेंटर ओ दे सानू एक सर्कल दिता गया और यह डायमीटर सानू दिता गया है अकॉर्डिंग टू द डायग्राम ए बी। फिगर दिती है, फिगर तुम देखोगे बुक खोलो सामने तौर पर दिता है ए बी एज ए डायमीटर और एक कोड दी है तुम सी डी। जो कोड की जो कोड है ना सी डी वो ये रेडियस के इक्वल है, राइट। ओ बी इज इक्वल टू सी डी, या कह लो कि ओ ए इज इक्वल टू सी डी। सो यह कोड की लेंथ कितनी है, यह कोड की लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल है, राइट। वो कह रहे हैं कि ए और सी नू मिला दो और एक्सटेंड कर दो, करता, राइट। और दूसरी गल कह रहे हैं कि बी और डी नू ज्वाइन करके एक्सटेंड कर दो, तो डेफिनेटली कितने ना कि ए सी लाइन के ना इंटरसैक्ट करेगा, जितने इंटरसैक्ट करे वो पॉइंट उन्होंने बोलिया ई पॉइंट, राइट। उस पॉइंट उन्होंने बोलिया ई। सो यह ई का एंगल 60 डिग्री होएगा, यह प्रूव करना है। कहना मतलब कि आप एंगल ए सी एंगल ए ई बी फाइंड करना, फाइंड करना है, कहना मतलब कि 60 डिग्री प्रूव करना है कि यह एंगल 60 डिग्री होएगा, राइट। 60 डिग्री होएगा यह चीज आप निकालनी है। और उस तो पहला उन्हें यह गल कही है, यह कंडीशन तो गिवन है कि थोड़े को सी डी इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, राइट। तो कोड रेडियस इक्वल है, बस यह चीज गिवन है, ठीक है। यह स्टेटमेंट सी। तो बच्चे अगर तुम देखो अगर तुम कह रहे हो कि सी डी इज इक्वल टू रेडियस है, अगर मैं सी ओ नू मिला दा, सी ओ नू मिला दा और उधरों मैं ओ डी नू मिला दा, डेफिनेटली हुण देखो तुहाडे को ओ सी इज इक्वल टू ओडी होएगा, वाई ओ सी एंड ओडी आपस च इक्वल होणगे, ओ सी इज इक्वल टू ओडी होएगा और ओडी इज इक्वल टू सी डी होएगा, बिकॉज ओ सी एंड ओडी आर द रेडियस एंड रेडियस इज इक्वल टू कोड, दिस इज द गिवन, क्लियर। तो इट मीन यह साढ़े को जो ट्राइंगल बनता पाया ओ बी सी, यह साढ़े को इक्विलेटरी ट्राइंगल बनता पाया, एक गल पक्की है। अगर यह इक्विलेटरी ट्राइंगल बनता पाया तो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ एंगल सू पता है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन द राइट एंगल इज 180 डिग्री, तो क्योंकि साइड्स आप सारी इक्वल है तो ईच एंगल मस्ट बी 60 डिग्री। तो साढ़े को एंगल तो आ गया सी ओ डी, साढ़े को 60 डिग्री एंगल आ जाएगा, क्लीयर। इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री होंगे, सब पता है, क्लीयर। उस तो बाद बच्चे देखो हूँ यह कोड जी है सी डी कोड है, सेंटर तो एंगल कि बना रही है 60 डिग्री,
जी कोड सी डी है वो सेंटर से एंगल बना रही है 60 डिग्री तो रिमेनिंग पार्ट से की बनाएगी डेफिनेटली हाफ होएगा 60 का सो हाफ कितना होएगा 60 का 30 इट मीनस यही कोड अगर डी के एंगल बी के एंगल बनाए देखो यही कोड सी डी बी के एंगल बनाएगी वो एंगल होएगा 30 डिग्री राइट सो एंगल आ गया 30 डिग्री राइट और दूसरी गल इतों मैं चीज रब कर रहा ठीक है सो एंगल साढ़े को आ गया 30 डिग्री उस तो बाद बच्चे देखो हमने असं गल कही कि सैमी सर्कल दे सैमी सर्कल दे जेड़ा एंगल सबसटेंड किया जाता है बाय डायमीटर सैमी सर्कल दे जेड़ा एंगल सबसटेंड किया जाता है बाय दिस कोड लोंगेस्ट कोड मीनस डायमीटर के द्वारा जो एंगल सबसटेंड किया जाता वह हमेशा कि 90 डिग्री होंगे राइट 90 डिग्री होंगे सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम 10.8 ए और बी एज ए डायमीटर और ए एंगल सबसटेंड करेगा सी उत्ते 90 डिग्री क्योंकि इतने के एंगल बनता पाया 180 डिग्री ठीक है पूरा एंगल कितना स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री और हाफ कितना 90 डिग्री अगर बच्चे देखो ए एंगल 90 डिग्री है ते ए ई अपने को एक स्ट्रेट लाइन है तो डेफिनेटली ए वाला पार्ट कितना होगा 90 डिग्री ठीक है 90 प्लस 90 पूरा लाइन से एंगल बनेगा 180 डिग्री राइट तो एंगल बी सी ई भी 90 डिग्री होएगा क्योंकि ए सी बी तुसी बोलिया 90 डिग्री तो डेफिनेटली अगर ए एंगल 90 डिग्री है तो ए एंगल बाकी मीनिंग 90 डिग्री होएगा हुण अगर तुसी ए ट्रायंगल नु ध्यान नाल देखो ए वाले ट्रायंगल हाईलाइट किया देखो एंगल ध्यान देखो ठीक है हूँ एंगल के 90 डिग्री है ए 30 डिग्री है 90 प्लस 30 120 च किन्ने ऐड करिए 180 बनेगा डेफिनेटली 60 तो एंगल होगा 60 डिग्री राइट 90 डिग्री 30 डिग्री प्लस करके 180 च माइनस किया कि 60 डिग्री सो दिस इज हाउ टू प्रूव कि एंगल ए ई बी साढ़े को 60 डिग्री आया ठीक है बच्चे यह क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट है ध्यान देना इन्हें देखो करो नैक्सट क्वेश्चन बच्चे तुम देख रहे हो फिगर देख रहे हो और एक क्वेश्चन के क्या कहा गया है एग्जाम्पल नंबर 4 है बच्चे एग्जाम्पल नंबर 4 पेज नंबर ता है 183 स्टेटमेंट तुम देख रहे हो ये देखो तेरे को ए और सी इन गिवन फिगर ए बी सी डी साढ़े को एक साइकलिक क्वाडिलेटर है डेफिनेटली साइकलिक है क्यों है क्योंकि क्वाडिलेटर के हर एक वर्टिस जो ने वो सर्कल के सर्कमफेरेंस उत्ते आ रहे हैं राइट सो ए बी सी डी से साइकिल क्वाडिलेटर इन विच ए सी एंड बी डी आर डायमंड्स हम तुम देखते हो ए सी और बी डी आपस में दोनों डायमंड ने इंटरसैक्ट कर रहे हैं डेफिनेटली करते हैं इंटरसैक्ट साइकिल क्वाडिलेटर और एंगल डी बी सी बच्चे 55 डिग्री दिता गया और एंगल बी ए सी 45 डिग्री दिता गया राइट और सानू एंगल फाइंड करने वास्ते क्या गया एंगल बी सी डी राइट सो यह एंगल आप फाइंड करना तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है सब तो पहले असी साइकलिक क्वाडिलेटर की कंडीशन पढ़ी सी जिदे असी कहा कि जेडे कह लो कि ओपोजिट एंगल होंगे ने क्वाडिलेटर ओपोजिट एंगल होंगे उन्होंने सम कि होंगे 180 डिग्री और असी इसे यह कॉन्सैप्ट लगावे ठीक है सो बी सी डी सब तो पहले देखो अगर आप सैगमेंट की गल करिए सी डी ए कोड है साढ़े को ध्यान देखना जरा सी डी ए कोड है राइट सी डी कोड एक एंगल सबसटेंड कर रही है 55 बी उत्ते पॉइंट बी उत्ते 55 एंगल कोड जरा कोड सबसटेंड कर रही है 55 ठीक है और यह कोड एक एंगल रिमेनिंग पार्ट सेम सैगमेंट के सैगमेंट सेम दे एंगल ए उत्ते एक एंगल सबसटेंड कर रही है तो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू द थ्योरम असं डिस्कस कर चुके हैं कि एंगल इन द सेम सैगमेंट्स आर सेम इक्वल होंगे ने जिहड़े एंगल सेम सैगमेंट के बन गए वो इक्वल होंगे ने जिमें एक एंगल बनया और एक एंगल बनया राइट सो ए एंगल एक्स है और एंगल वाई है दोनों एंगल की है सेम सैगमेंट के कि एको कोड द्वारा बनाए गए जा रहे हैं तो एंगल दोनों सेम हो राइट सो इसे तरह अगर ए एंग लाइन सी डी बी उत्ते एक एंगल बना रही है सेम एंगल ए ते भी बनेगा क्यों क्योंकि इस एंगल के भी एंड पॉइंट सी ओ डी है सो डेफिनेटली दिस एंगल मस्ट बी 55 डिग्री ओके अगर ए 55 डिग्री है और ए 45 डिग्री है तो एंगल ए कितना हो जाएगा टोटल
टोटल एंगल ए हो जाएगा 100, राइट। सो 100 प्लस 100 100 इट मींस एस साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है एरर सम हो गया 100। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की कंडीशन की सी एंगल ए और एंगल सी का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। एंगल ए और एंगल सी का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। ओदे विचो 100 डिग्री है तो एफ कितना होएगा ऑब्वियस है 80 डिग्री होएगा। सो आपको फाइंड कर लिया एंगल बी सी डी इज 80 डिग्री। बस इतनी की कहानी है दी, इतना की काम है दा, आसान है, बहुत ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं असी, क्वेश्चन नंबर 5। पे नंबर 184 थे एग्जांपल 5। हाँ जी बच्चे देखो स्टेटमेंट पढ़ोगे, स्टेटमेंट दे विच क्लियर दिता गया है कि दो सर्कल ने तुहाडे कोल, टू सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे ने ए पॉइंट ते और बी पॉइंट ते, राइट। तो दो सर्कल ने साडे कोल, टू सर्कल इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ए एंड बी। ए डी ए सर्कल दे विच ए डी एज अ डायमीटर, ए सर्कल दे विच ए सी एज अ डायमीटर, ओके दोनों डायमीटर ने टू सर्कल दे। प्रूव दैट बी द पॉइंट बी लाइज ऑन द लाइन डी सी, राइट, लाइन सेगमेंट डीसी। बी अपन बी नो पर दसना कि एम लाई कर रहा है एक लाइन देते, राइट। तो डेफिनेटली सानू कि एसी नो पहले प्रूव करना पड़ेगा कि एसी एक लाइन है। तो किसी भी दो लाइन सेगमेंट नो अगर असी एक लाइन देते प्रूव करना कि एक लाइन ही बनती पी है, दो लाइन सेगमेंट नो जोड़ के एक लाइन ही बनती पी है, तो सानू कुछ करने की लोड़ नहीं है, बस दोनों के उत्ते जिहड़ा एंगल बनता पिया उहनूं 180 प्रूफ करा दो। तो डेफिनेटली तुहाडे कोल जिहड़ा जिहड़ी लाइन होएगी वो तुहाडे कोल स्ट्रेट लाइन ही आएगी, ठीक है। वो देखो इहदे विच तुहाडे कोल लाइन बनेगी बनेगी डेफिनेटली जो तुसीं 99 दोनों एंगल नूं 180 सम इक्वल टू 180 का प्रूफ कर दोगे। सो इत्थे मैं एंगल कहना चाहांगा कि देखो अगर ए सर्कल की गल करिए, अगर ए डी डायमीटर है, ए डी डायमीटर है, तो ए डी डायमीटर एंगल एस सर्कल दे विच बी दे उत्ते किहड़ा एंगल बनाएगा, तुसी कहोगे सैमी सर्कल है, ठीक है। तो सैमी सर्कल है ए वाला सैमी सर्कल, और सैमी सर्कल दे विच हमेशा एंगल कितना होएगा 90 डिग्री होंदा है, क्लियर। थ्योरम ने आपने भी सीखा होया। तो ए डायमीटर ने एक एंगल सबस्टेंड किया रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल इन सैमी सर्कल, दिस मस्ट बी ए 90 डिग्री। सो ए जिहड़ी लाइन है परपेंडिकुलर होएगी ए लाइन बी डी दे उपर डेफिनेटली, ठीक है। अगर ए 90 डिग्री है तो अकॉर्डिंग टू द सेम कंडीशन फ्रॉम दिस सर्कल ए भी एंगल कितना होएगा 90 डिग्री होएगा, क्योंकि एड एंगल है ए बी डी ए भी कितने बनता पे ए बी सी सॉरी एंगल ए सर्कल दे एस पॉइंट उत्ते बनता पे और ए सी एज अ डायमीटर है, ए सी एक डायमीटर है। तो डायमीटर ने रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल सेमी सर्कल दे विच 90 डिग्री एंगल बनाना है। सो 90 प्लस बच्चे 90 कितना हो गया 180 डिग्री। सो लाइन सो ए लाइन उत्ते एंगल 90 डिग्री 180 डिग्री है, तो डेफिनेटली लाइन की होगी डी डी सी की होगी, एक लाइन होगी और एंगल बी की है इस दुते लाई कर रहे, ठीक है। यह बस क्वेश्चन इतना ही सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल 6 पेज नंबर 184 ध्यान दो। हाँ जी बच्चे देखो एग्जाम्पल 6 की कह रही है, कहना प्रूव दैट ए क्वाड्रिलेटर फॉर्म्ड बाय द इंटरनल, एक क्वाड्रिलेटर फॉर्म किया गया इंटरनल बाइसेक्टर्स दे नाल। देखो बाइसेक्टर यू ऑल नो कि जिहड़ा एंगल नू दो इक्वल पार्ट्स ते वी डिवाइड करे। सो देखो एक क्वाड्रिलेटर मैं लिया, तुहानू सिंपल समझा रहा कि क्वेश्चन की कह रहा है, क्वेश्चन की कह रहा है कि ए बी सी डी साडे कोल कोई भी क्वाड्रिलेटर आ गया, राइट। तो मैं एक इतों परपेंडिकुलर सॉरी बाइसेक्टर लिया ए दा, एक बाइसेक्टर लिया बी दा एंगल डी दा, और एक बाइसेक्टर लिया एंगल सी दा, और एक एंगल बाइसेक्टर लिया एंगल बी दा, राइट। तो ए एच आ गया एंगल ए दा बाइसेक्टर, डी एच आ गया एंगल डी दा बाइसेक्टर, सी एफ आ गया एंगल सी दा बाइसेक्टर, बी एफ इधरों सी एफ है इधरों बी एफ आ गया साढ़े कोल बी दा बाइसेक्टर, ओके। सो जिथे बी दा बाइसेक्टर और जिथे सी दा बाइसेक्टर आपस इंटरसेक्ट करे उस पॉइंट में बोलता है एफ, जिथे ए दा बाइसेक्टर और जिथे डी दा बाइसेक्टर आपस मीट किते उन्हें मैं पॉइंट बोलता एच, राइट। और जिथे दोनों दोनों बाइसेक्टर इंटरसेक्ट कर रहे पॉइंट है सी ई,
और जिथे एदा बाइसेक्टर सी दा और डी दा इंटरसेक्ट कर रहे नो पॉइंट है ई राइट। इस तरीके दे नाल असी एक अंदर क्वाड्रिलेटर फॉर्म किया। देखो तुसीं देख रहे हो ई एच जी एफ ए भी एक छोटा जिहा अंदर की बनता पे क्वाड्रिलेटर बनता पे। तो असी यह प्रूव करना है कि जिहड़ा क्वाड्रिलेटर है ना यह साइक्लिक होएगा ठीक है। जो भी तुसीं सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करोगे डेफिनेटली सर्कल है वॉट इज इन्हों तो पास हो गया तीनों चारों पॉइंटा तो पास हो गए करेगा। तो इन असी साइक्लिक प्रूफ करना है। तो साइक्लिक प्रूफ करने वास्ते की है सिर्फ दो ओपोजिट एंगल उठाओ क्वाड्रिलेटर के दो ओपोजिट एंगल जिम्मे मैं एंगल की गल कर रहा ए वाला एंगल कहड़ा एंगल है एफ ई एच एंगल एफ ई एच एफ ई एच ए वाला एंगल और ए वाला एंगल एफ जी एच एफ जी एच ए दोनों एंगल का सम मैं 180 डिग्री प्रूफ करा दो ठीक है। ए वाला एंगल और ए वाला एंगल का दोनों का सम जिहड़ा 180 डिग्री का अगला असी प्रूफ करा दिता तो डेफिनेटली ई एफ जी एच बनेगा क्वाड्रिलेटर ए साइक्लिक हो जाएगा। तो इन करने का तरीका बहुत ही ईजी है। सब तो पहले देखो असी इस एंगल की गल करते हैं एंगल है साढ़े को एफ जी एफ ई एच एफ ई एच ध्यान देखो एंगल एफ ई एच ठीक है। पूरे एंगल थोड़ा मैं बोर्ड करके लिख देना था कोई प्रॉब्लम ना हो वेट हाँ देखो एंगल एफ ई एच इज इक्वल टू एंगल ए ई बी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ये दोनों आपस दे विच एंगल इक्वल होंगे। रीजन की है बहुत ही सिंपल रीजन है। रीजन की है कि यह दोनों आपस में वर्टिकल ऑपोजिट एंगल ने राइट। सो अगर मैं एंगल ए ई बी कैलकुलेट करना हो एंगल ए ई बी कैलकुलेट करना हो एंगल ए ई बी तो मैं पता है कि अगर यह ट्राइंगल की गल करा ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम की है होता 180 डिग्री के विचों देखो मैं एंगल ए ई बी ए वाला एंगल कैलकुलेट करना चाहता तो मैं टोटल एंगल 180 डिग्री विचों अगर ए वाला पार्ट इन बोलता एक्स ठीक है ए वाला पार्ट इन बोलता मैं वाई एक्स और वाई चो माइनस करना तो मेरे को एंगल की आएगा एंगल ए ई बी आएगा राइट। एंगल 180 डिग्री विचों मैं एच ई नू माइनस करता ठीक है। उस तो बाद सेम इक्वेशन नोट कर लेंगे असी इक्वेशन नोट कर लेंगे असी एंगल ए ई बी की वैल्यू मेरे को आ गई 180 डिग्री माइनस एक्स एंड माइनस वाई राइट। इन मैं करता रहा हूँ असी एस एंगल की गल करिए वाले एंगल की एफ जी एच की एंगल एफ जी एच नू ध्यान देखो जो एंगल एफ जी एच है कि इक्वल होएगा ए इक्वल होएगा क्योंकि दोनों की है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ने क्रॉस हो रहा है तो एंगल डी जी सी एंगल डी जी सी दे इक्वल होएगा और एंगल डी जी सी अगर मैं इक्वल कर डी जी सी मैं फाइंड करना हो डी जी सी अगर मैं एंगल फाइंड करना हो तो मैं की करांगा देखो वन एटी की डिग्री के विचों अगर मैं ए डी एंगल इनू मैं मान लिया टी यू मान लो इन मान लिया मैं यू और इनू मान लिया मैं वी ठीक है। तो एंगल जिहड़ा डी जी वी सी है एंगल डी जी सी है इनू फाइंड करना तो मैं 180 डिग्री के विचों माइनस करता ए वाला एंगल और ए वाला एंगल यू एंड वी तो डेफिनेटली मेरे को एंगल डी जी सी आ जाएगा क्योंकि टोटल एंगल का एंगल्स का सम इन ट्राइंगल 180 डिग्री होता है और जो मैं दोनों एंगल माइनस करते यू भी माइनस करता वी भी माइनस करता तो डेफिनेटली मेरे को ए वाला एंगल आ जाएगा वो आ गया मेरे को राइट। तो मैं नोट कर रहा एंगल डी जी सी की वैल्यू भी मेरे को आ गई 180 डिग्री माइनस यू माइनस वी राइट। चलो देखते हैं फिर मेरे को इन दोनों का सम कि बनता है कि दोनों का सम इन दोनों प्लस करते हैं इन्हें सम की बनता है ठीक है। मेरे को एंगल एफ ई एच प्लस एंगल
एफ जी एच, ठीक है, इन्हों दोनों का सम कितना मेरे को बनता है देखते हैं। सो ऐसा को इक्वल सी ई एफ ई एच था इक्वल सी ए ई बी दे एंगल ए ई बी दे इक्वल प्लस ई एफ जी के इक्वल सी डी जी सी दे इक्वल, ठीक है, एंगल डी जी सी दे इक्वल, राइट। सो फर्दर असं कहने कि एंगल ई बी ई के इक्वल है 180 डिग्री माइनस एक्स, 180 डिग्री माइनस एक्स माइनस वाई और इन असं प्लस कर देते हैं डी जी सी ना, डी जी सी की वैल्यू कितनी है 180 डिग्री माइनस यू एंड माइनस ई, राइट। इतों को लिखा नहीं खाना, देखो एंगल ई एफ ई एच ए वाला एंगल कि इक्वल है एंगल ए ई बी दे, वो भी मैं लिखे एंगल एफ ई एच ए वाला एंगल ए दे इक्वल है तो ए दी जगह मैं ए लिखा और ए वाला एंगल ई ए वाला एंगल अभी देख रहे एंगल ए इक्वल है ए इक्वल, सो ए एंगल मैं ए इक्वल लिखा, राइट। सो ए चीज जी आप पहला की थी, ठीक है, वही है। हूँ इस तरह इन ध्यान है, देखो 180 डिग्री और 180 डिग्री दोनों पॉजिटिव है, कितना बन गया 360 डिग्री, इधर कितना बनया माइनस एक्स एंड माइनस वाई और प्लस बन गया माइनस सॉरी माइनस यू एंड माइनस वी, 360 बन गया। हूँ एंगल एक्स देखो, एंगल एक्स एक्चुअली है कि पूरे एंगल ए का हाफ है, ठीक है, पूरे एंगल ए का हाफ है कहना एंगल एक्स, ठीक है। सो मैं लिख सकता 360 एक्स मैं लिख सकता हाफ ऑफ ए, एक्स की है हाफ ऑफ ए, ठीक है, क्योंकि मैं आप पहले कहना यह लाइन जी ए एच ए लाइन है बाइसेक्टर है, यह भी बाइसेक्टर है, यह भी बाइसेक्टर है, इस करके हाफ लिख गया। सिमिलरली वाई की है एक्चुअली हाफ है बी का, तो इन मैं लिखा बी का हाफ, यू की है डी का हाफ, डी का हाफ, वी की है सी का हाफ, राइट। सो 360 विचों मैं माइनस वन बाय टू कॉमन निकाल लिया, अंदर की बनया एंगल ए एंगल बी एंगल सी और एंगल डी, सी डी इंटरचेंज करके देखो। सो ए बी सी डी साडे कोल हैगा की सी बच्चे, ए बी सी डी साडे कोल एक क्वाड्रिलेटरल सी, तो क्वाड्रिलेटरल दे सम ऑल एंगल दा सम किदे इक्वल हुंदा है, किदे इक्वल हुंदा दसो, दस सकदे हो, यस इट इज ऑलवेज 360 डिग्री, राइट, वन बाय टू 360 डिग्री। तो की बनेगा बच्चे देखो 360 डिग्री दे टू ना डिवाइड किया तो कितना आया बच्चे 180 डिग्री, 360 जो 180 डिग्री माइनस किए कितना आया 180 डिग्री। सो साडे कोल ए ई एफ एच प्लस एफ जी एच कि इक्वल आ गया 180 डिग्री दे इक्वल आ गया, राइट। देख रहे हो यह एंगल साडे कोल दोनों एंगल कि ऐसी साढ़े को जे सड़को अंदर छोटा क्वाड्रिलेटर बनता पैसे उसके ओपोजिट एंगल से, सो दोनों ओपोजिट एंगल्स का जो सम है वह कितना आ गया 180 डिग्री। सो दिस इज अ प्रूफ कंप्लीट प्रूफ ऑफ एग्जाम्पल 6 बच्चे, प्रैक्टिस की लड़ है, बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी पेगी, थोड़ा बार बार वीडियोज में देखोगे तो डेफिनेटली यू विल गैट नो कि हाउ टू परफॉर्म दिस क्वेश्चन। कि सब तो पहले ए भी चीज़ याद रखनी है कि साइकिलिक क्वाड्रिलेटर की होंगे वे ओपोजिट एंगल का सम करते ही बनता है, सो तरीके ना देखो उन्होंने ध्यान समझो। सो अज असी एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर लिया ने, कल असी 10.5 शुरू करांगे। थैंक यू वेरी मच।